हेलो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन जो कि आपके ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स कीव्स राइज टू एन ऑप्टिंग सिमिलर टू इट्सल्फ बच्चों रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न करते हैं रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह के होते हैं पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं कि कभी भी रिप्रोडक्शन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना नहीं हो सकता जिसमें से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेल होता है और दूसरा फीमेल सेकेंड टॉपिक इज लाइफ स्पैन वॉट इज लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जन्म के बाद और नेचुरल डेथ उसके प्राकृतिक मृत्यु से पहले तक का जो समय होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए ही पृथ्वी पर सर्वाइव करता है और एक टाइम आने पे उसकी डेथ निश्चित होती है लाइफ स्पैन छोटा हो सकता है लाइफ स्पैन बहुत बड़ा भी हो सकता है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट को रिलेटेड विथ साइज़ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज़ से संबंधित नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल क्रोज एंड पैरट मैंगो एंड पीपल ट्री कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके बुक में उसके लाइफ स्पैन को फुलफिल किया गया है जो कुछ ब्लैंक है उसे इस यहाँ पे आपका दिखाया गया है जैसे एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है सिक्सटी टू नाइन्टी ईयर्स होता है रोज़ का फिफ्टी फाइव टू सेवन ईयर्स डॉग 20 to 50 years, butterfly 1 to 2 weeks, crow 15 years, banana tree 25 years, cow 20 to 25 years, parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 60 years, fruit fly 30 years, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years, and banyan tree 20 to 200 years. Isprakar, हम देख सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो कि एलिफेंट का साइज़ बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर भी इसका लाइफ स्पेन सिक्सटी टू नाइन्टी इयर्स होता है जबकि पैरोट एलिफेंट की तुलना में बहुत साइज छोटा होता है उसका साइज़ उसकी तुलना में बहुत छोटा है लेकिन इसका लाइफ स्पैन वन हंड्रेड फोर्टी ईयर्स होता है इस प्रकार आपको सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन याद रखने हैं थैंक यू